लो भाई आखिरकार बारिश आ ही गई मथुरा में। लगा रहे कान पे ऊपर जाएगा सीधा भाई फोन पे लग बाइक चला रहा बंदा और फोन लगा रखा कान पे। सुबह से इतनी हालत खराब थी गर्मी से और अब भाई एकदम 5 मिनट में पूरा का पूरा मौसम पलट दिया है। न तो अभी तक एक बूंद पड़ी है ना ही कुछ, हवा चल रही है ठंडी ठंडी और बादल हो रखा है। एकदम आंधी का सा झोंका आया, धूल सी आई और भाई सूर्य नारायण भगवान कहाँ छुप गए पता ही नहीं चला। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बज चुके हैं, नहा धो के रेडी हैं, निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए। और भाई सुबह सुबह हमारी मम्मी कुछ काम करने में लगी हुई है तो मम्मी से गुड मॉर्निंग बुलवाते हैं फिर निकलते हैं मथुरा के लिए, सॉरी मथुरा जंक्शन के लिए। आप बोलिए गुड मॉर्निंग मम्मी। ये क्या हो रहा है, पीसना बन रहा है? ये देखो भाई मम्मी आटा पीसने के लिए गेहूँ बनाने में लगी हुई हैं, सुबह सुबह बैठ गई हैं आज तो। ना नहाने धोने में फिर बाद में करो तो गंदे हो जाते हैं। ये आ गई हमारी मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, निकलूं मम्मी मैं जा रहा हूँ ना, लेट हूँ। चलो भाई निकलते हैं। और गली में हमारी में बाहर भाई सब्जी वाले ढूंढ रहे हैं। ये खाली मिर्ची मिर्च बेच रहे हो भाई? गाड़ी और गंदी हो रखी है यार पूरी की पूरी, अब शैम्पू से धुलाई होगी किसी दिन जब साफ होगी। गुड मॉर्निंग हमारी नीलिमा। चलो भाई इसको साफ करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। सॉरी दोस्तों, घर से निकलते वक्त आपको एक चीज और बोलना भूल गया था भाई, आज का टीचर्स डे है तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वैसे भी मथुरा में हमारे में इस वक्त भाई जन्माष्टमी की तैयारियां चली हुई हैं और भगवान श्री कृष्ण से बड़ा तो टीचर कोई है नहीं। दुनिया का सबसे बड़ी कथा और सबसे बड़ा काव्य भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा था, भागवत गीता। तो टीचर डे की शुरुआत हमारे मथुरा से ही होती है, आप सभी को मेरी तरफ से टीचर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मथुरा में आज जैसे जैसे जिधर जिधर के चक्कर लगेंगे मेरे, अगर लगते हैं तो आपको दिखाऊंगा मथुरा में कैसी कैसी तैयारियां चल रही हैं। आज 5 हो गई है, इसके बाद लगातार भीड़ बढ़ती जाएगी। आज 5, कल 6, सबसे ज़्यादा 7 को यहाँ भीड़ रहती है। 7 को तो ये स्थितियाँ हो जाती हैं कि हम लोगों को घर जाना मुश्किल हो जाता है, सारे रास्ते बंद होते हैं, भीड़ इतनी हो जाती है। उम्मीद तो है निकलेगी, बाकी भाई त्यौहार भी हमारा रक्षाबंधन बहुत ठंडा ही गया है, जितनी उम्मीदें थी उस हिसाब से काम नहीं निकला। अब देखते हैं जैसा होगा आपको दिखाएंगे, तैयारियां जो चल रही है वो तो दिखाएंगे। हर साल इम्प्रूव होती चली जा रही है, जब से योगी सरकार आई है ना तो हर साल कुछ ना कुछ नया होता है। और इस बार भी हमारे मथुरा जंक्शन के बाहर एक मंडप सा बन रहा है, लग रहा है उस पर डांस प्रोग्राम वगैरह जैसे पिछले साल हुए थे वैसे ही होंगे। तो जो भी होगा आपको दिखाएंगे जरूर, बस वीडियो पूरा देखा कीजिए। और यार वीडियो अच्छा लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए प्लीज़ यार, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने इस भाई को सपोर्ट करो, मेहनत लगती है यार। गाड़ी चलाते चलाते पब्लिक में ऑटो वाले का ब्लॉक करना कितना मुश्किल होता है, लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं लेकिन समझ वो ही सकता है जो कर रहा हो, बहुत मुश्किल होती है। फिर भी दिल बड़ा करके, दिल कर्रा करके सब कुछ झेलते हुए ब्लॉग बनाते हैं। प्लीज़ यार सपोर्ट दो अपने अपने भाई को प्लीज़। दोस्तों आज 5 तारीख हो चुकी है, कल की 6 और परसों है जन्माष्टमी। तो भाई जो मथुरा में गर्मी पड़ रही थी ना बुरी तरह से, उसमें भगवान श्री कृष्ण की मेहरबानी से थोड़ी सी छांव होने लगी है आज से, भयंकर गर्मी थी भाई। और आज देखिए थोड़ा सा बादल हो रखा है, छांव हो रखी है, जो भयंकर धूप होती थी ना उसमें थोड़ी सी राहत दी है भगवान ने। और सामने आपको पुलिस की गाड़ी अड़ी हुई दिख रही होगी बैरियर्स के साथ, ये देखिए ये वही जन्माष्टमी के कार्यक्रमों के लिए ही है कि ये रास्ता बंद करना है, वो रास्ता बंद करना है, जो कि मथुरा में हमेशा होता है। और इस तरफ को थोड़ा सा आपको बादल होता हुआ दिखेगा, इसी की वजह से छांव सी दिख रही है थोड़ी सी। और भाई जो मैं आपसे कह रहा था ना कि मथुरा जंक्शन पे भी एक स्टेज बनाई जा रही है जन्माष्टमी के प्रोग्राम के लिए, वो ये है, यहीं पर कोई ना कोई रंगारंग प्रोग्राम होगा भाई। मौसम देखो, मौसम ने क्या करवट ली अचानक से, पूरा का पूरा मौसम ही बदल गया। इतनी भयंकर धूप पड़ रही थी, अचानक ही करवट ले ली,
सुबह से इतनी हालत खराब थी गर्मी से, और अब भाई एकदम 5 मिनट में पूरा का पूरा मौसम पलट दिया है। न तो अभी तक एक बूंद पड़ी है, ना ही कुछ, हवा चल रही है ठंडी ठंडी और बादल हो रखा है। एकदम आंधी का सा झोंका आया, धूल सी आई, और भाई सूर्य नारायण भगवान कहाँ छुप गए पता ही नहीं चला। पूरा पूरा मौसम पलट गया भाई, ठंडी ठंडी चिल्ड हवा चल रही है, मजा आ रहा है। ऐसा मौसम मुझे सबसे अच्छा लगता है भाई। काम करने में भी मजा आता है, आराम करने में भी मजा आता है। अगर आपके पास काम नहीं है, गाड़ी लेके एक जगह पर खड़े हुए और भयंकर वाली धूप पड़ रही है, तो बैठे बैठे पसीने चुचाते रहते, कुछ काम नहीं, मन नहीं करता यार। पर जब ऐसा ठंडा मौसम होता है ना, तो कहीं भी जाके बैठ जाओ, कहीं भी टाइम पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही प्यारा मौसम हो गया यार, ऐसा ही बना रहे। अब शायद बंसी वाले के भक्ताने वाले, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, तो शायद ऊपर वाले लिए मौसम बन रहा है कि भाई मेरे भक्तों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को अंदाजा भी था, क्योंकि रक्षाबंधन पे भी बारिश नहीं हुई थी, और रक्षाबंधन से 2-3 दिन पहले से ही मौसम बिगड़ गया था, पूरा का पूरा गर्मी वाला मौसम हो रखा था। तो हम लोग यही अंदाजा लगा रहे थे कि जन्माष्टमी के आसपास मौसम बिगड़ेगा, और शायद अपने भक्तों के लिए छांव कर देगा प्रभु। तो भाई 2 दिन पहले ही कर दी, अभी आज 5 है, कल की 6 और 7 तारीख को जन्माष्टमी है, तो 1 दिन बीच पहले ही कर दिया ऊपर वाले ने छांव। बस काम और ऐसे ही निकल आए ना, जैसे मौसम बदला है वैसे ही काम का मौसम और बदल जाए तो मजा आ जाए भाई। 10,630 की है भाई भरनी है भाई, तो पैसे की कोई जुगाड़ नहीं है मेरे पास यार, सोच सोच के टेंशन में सर फटाई जा रहा है। लो भाई आखिरकार बारिश आ ही गई मथुरा में। अब मौसम ठंडा हो जाएगा भाई, वरना गर्मी ने वो हालत खराब करके रखी हुई थी कि कुछ लोगों को तो चक्कर आने की शिकायत हो रही थी गर्मी की वजह से। बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी। लगा रहे कान पर ऊपर जाएगा सीधो, बाइक चला रहा बंदा और फोन लगा रखा है कान पे। भाई अब तो जबरदस्त पाली पड़ रहा, खाली याद ही नहीं रही, पाली भी हो गया है। हमारा छोटू बेचारा गाड़ी को क्या हुआ छोटू, पाली पाली कर दिया भाई। अब तो जीना बड़ा मुश्किल होवे, दिन रात दिल। इस बारिश की वजह से किसी को फायदा हुआ हो ना हुआ हो, मेरे को तो हो गया। बारिश की वजह से स्टेशन पर सवारी इतनी घटी हो गई थी, जैसे ही बारिश रुकी सारी की सारी सवारी बाहर। तो मुझे भी कंपटीशन होते हुए भी सवारी मिल गई, वृंदावन का चक्कर लगा के वापस आ गया हूँ। और भाई आज लगभग 3-4 दिन बाद वृंदावन जाने का मौका मिला, सवारी छोड़ के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पैसे आ गए जेब में। लो जी दोस्तों जन्माष्टमी की तैयारियाँ देख लो भाई, क्या जबरदस्त तरीके से सजा रखा है चौराहे को। जन्माष्टमी के लिए है सब, है ना गदर। दोस्तों अभी जो दिखाया था वो था डिग गेट वाला चौराहा, ये है भूतेश्वर, ये भी ऐसे ही सजा रखा है। ये शहर की रंगत ही बदल जाती है जन्माष्टमी के मौके पर। तो दोस्तों घर आ चुके हैं, और भाई रात के 11 बजे हुए, आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं। जब मैं वृंदावन गया था और वृंदावन से वापस आने के बाद मथुरा जंक्शन पे आप लोगों से बात ही कर रहा था, तभी मेरे को दोबारा से वृंदावन की सवारी मिल गई। आज कमाल हो गया भाई, सुबह के टाइम में एक भी सवारी नहीं मिली थी वृंदावन वगैरह की, और शाम के टाइम में लगातार 2 चक्कर बैक टू बैक दूसरा चक्कर लगा के सवारी स्टेशन पर छोड़ने के बाद आ गया हूँ घर। और घर पे सारे के सारे घर वाले सो चुके हैं, हमारी गीता जी भी सो गई, अंजलि भी सो गई, मम्मी भी सो गई, आज मम्मी हमारे कमरे में सोई हुई हैं। मौसम भी ठंडा हो गया, जब घर से निकल के गया था तभी मौसम बदलना शुरू हो गया था, और भाई ज़बरदस्त बारिश हुई है लगभग 1 घंटे के करीब। तो पूरा का पूरा मौसम हो गया चिल्ड, लग रहा था कि बंसी वाला हमें गर्मी में जो तपा रहा है ना, जैसे ही जन्माष्टमी करीब आएगी तो बारिश हो जाएगी, और वैसा ही हुआ भाई। कल का दिन बीच में है, 1 दिन पहले ही ऊपर वाले ने मौसम ठंडा कर दिया, तो जो भी घूमने फिरने वाले आएंगे उनको थोड़ा सा मौसम ठंडा मिलेगा।
हालांकि अगर कल धूप निकल आई ना तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाएगी, इतनी ज़्यादा उमस बनेगी कि खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी गर्मी पिछले एक डेढ़ हफ्ते से ये हो रखी थी कि बैठे बैठे भी पसीने आ रहे थे और चक्कर आ रहे थे, बहुत भयंकर गर्मी थी। तो इस बारिश से थोड़ी सी राहत मिल गई है। फिलहाल अब करते हैं आराम, इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।